नमस्कार दोस्तों, हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भारत एक टेक्निक के मामले में बहुत ही छोटा और पिछड़ा हुआ देश है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही नए टेक्निक के बारे में, जिसे सुन के आपका यह भ्रम टूट जाएगा और आप भी कहेंगे हमारा भारत अब वो भारत नहीं रहा जो कभी पहले हुआ करता। आज हम टेक्निक के मामले में इतने आगे पहुंच चुके हैं कि दुनिया भी हमें सलाम करती है। टेक्निक की दुनिया में स्वागत है दोस्तों। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही रोमांचक और नए आविष्कारों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंटरनेट से। जानते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब और किस साल हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसी दिन विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत को अन्य देशों के साथ कनेक्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। लेकिन उस वक्त इंटरनेट की स्पीड हमारे देश में काफ़ी धीमी थी, 10 KB/s थी, जो आज की तुलना में काफ़ी धीमी है। पहले एक फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए 5 मिनट का समय लगता था, लेकिन आज हम लाइव वीडियो चैट कर सकते हैं दोस्तों। आज भी दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो अभी भी 2G और 3G की मारामारी में व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में 4G नेटवर्क लगभग सारे लोगों को यूज कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण है जियो। और तो और इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत में मैं आपको भारत की ऐसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने 24 सितंबर 2014 को मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत भारत ने मंगल पर अपना एक यान भेजा था, और भारत प्रथम प्रयास पर सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका था जिसने मंगल ग्रह पर अपना यान पहली बार में ही सफलतापूर्वक भेजा था। उस मिशन को पूरा करने में भारत को 2 साल 9 महीने और 30 दिन तक का समय लगा था। पहले भी कई देशों ने अपनी यान मंगल की ओर भेजा था, लेकिन पहली बार में कोई भी देश सफल नहीं हो पाया। और अब बात करते हैं 15 फेब 2017 की कहानी, तो सुनिए दोस्तों। 15 फेब 2017 PSLV-C-37 रैकेट के द्वारा भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट में लॉन्च किए गए और एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अमेरिका ने कुल एक साथ 29 सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा था, और इस रिकॉर्ड को रूस ने 37 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजकर तोड़ा था। इन्हीं मिशंस कंप्लीट करने के लिए रशिया और अमेरिका को जितना खर्चा आया था, उसके एक तिहाई खर्चे में ही भारत ने अपने दोनों मिशन पूरे किए थे, और यही हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत की एक नई और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जानिए दोस्तों। प्रो टेक्नोलॉजी है दोस्तों भारत का सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम में और आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि भारत ऐसा क्या सुपर कंप्यूटर बनाने वाला है जिसे दुनिया में एक अलग ही पहचान मिलने वाली है, तो जानते हैं दोस्तों। सुपर कंप्यूटर भारत का ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर जिसे बनाने की शुरुआत 2017 के अंत में ही हो चुके, और आने वाले कुछ समय में हम सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हम अपने ही देश में देख पाएंगे, यही हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। कई न्यूज़पेपर की माने तो इस चीज़ को अभी तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी लीक ना हो पाए। और कुछ जानकारों का मानना है कि यह सुपर कंप्यूटर दुनिया के सभी कंप्यूटर्स की तुलना में 2 गुना तेज होगा, जिससे हम आने वाले भविष्य में कैलकुलेशन और वेदर इन्फॉर्मेशन आराम से कलेक्ट कर पाएंगे, और हम मौसम संबंधित जानकारी एकदम सटीक और लाइव देख सकेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।